दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में और आपके साथ में हूं प्रियंका। दोस्तों दी 100 लीग के दो मुकाबले अभी तक खेले जा चुके हैं। पहला मुकाबला हुआ था सदर्न ब्रेव और वेल्स फायर के बीच में, जिसे 9 विकेट से सदर्न ब्रेव ने अपने नाम कर लिया था। तो वहीं दूसरा मुकाबला हुआ था ओवल इनविंसिबल वर्सेस लंदन स्प्रिट के बीच में, और इस मुकाबले को लंदन स्प्रिट ने 3 रन से अपने नाम कर लिया था। और आज खेला जाएगा, यानी कि 5 अगस्त को खेला जाएगा तीसरा मुकाबला मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बीच रात 11 बजे। दोस्तों इस मैच से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको बता चुके हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर इसे जरूर देखें। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे दी 100 के 4th मैच के बारे में, और ये मुकाबला खेला जाएगा ट्रेंट रॉकेट्स और बिर्मिंघम फियोनिक्स के बीच 6 अगस्त को शाम 7 बजे। तो दोस्तों कौन जीतेगा ये मुकाबला, इस पर हम करेंगे चर्चा, बताएंगे आपको उस टीम का नाम, साथ ही दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, की प्लेयर्स और पिच रिपोर्ट का भी हाल। तो दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में 6 अगस्त शाम 7 बजे। यहाँ की अगर पिच रिपोर्ट पर नजर डाली जाए तो दोस्तों 4 मुकाबले अभी तक खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मुकाबला जीता है, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं 3 मुकाबले। और हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो यहां पर रहा है हाईएस्ट स्कोर 166 का, जो कि बिर्मिंघम फियोनिक्स ने बनाया है, तो वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है सदर्न ब्रेव का 126 का। यानी कि दोस्तों ये पिच जो है वो बिर्मिंघम फियोनिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। ऐसे में दोस्तों फोर्थ मुकाबले में ये पिच किसका साथ देती है ये तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। वेल दोस्तों ट्रेंट रॉकेट्स और बिर्मिंघम फियोनिक्स के हेड टू हेड कंपैरिजन पर अगर नजर डाली जाए तो दोनों टीम्स के बीच में 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से भैया ट्रेंट रॉकेट्स ने 1 भी मुकाबला नहीं जीता है, तो वहीं बिर्मिंघम फियोनिक्स ने 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा हेड टू हेड में भी बिर्मिंघम फियोनिक्स जो है वो ट्रेंट रॉकेट से आगे है, क्योंकि वो 2 के 2 मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं, तो वहीं पिच रिपोर्ट भी बिर्मिंघम का ही साथ देती है। तो चलिए अब नजर डालते हैं जरा दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स पर, कि आखिर दी 100 2022 में कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी, कौन से खिलाड़ी वो होंगे जो कि बढ़िया रन स्कोर कर अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। तो दोस्तों ट्रेंट रॉकेट्स की प्लेइंग 11 पर नजर डाली जाए तो इस लिस्ट में जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वो ये हैं: एलेक्स हिल्स, कॉलिन मुंड्रो, दविद मलान, टॉम कोहलर कैडमोर, इयान कॉकबैन, समित पटेल, लुइस ग्रेगरी, डेनियल सैम्स, मर्चेंडी लेंगे, राशिद खान और मैथ्यू कार्टर। तो दोस्तों ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो कि ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से मैदान पर उतरेंगे बिर्मिंघम के खिलाफ। अब जरा की प्लेयर्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर इनमें से वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो कि टीम को भैया जीत दिलाने में साथ दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं अच्छे रन स्कोर करके। तो सबसे पहले नाम हम शामिल करना चाहेंगे दविद मलान का, जिन्होंने लास्ट ईयर यानी कि दी 100 2021 के सीजन में 9 इनिंग्स खेलते हुए 214 रन स्कोर किए थे। इनके बाद आते हैं एलेक्स हेल्स, जिन्होंने 9 इनिंग्स खेलते हुए 185 रन बनाए थे। इनके बाद जो तीसरे बल्लेबाज हम यहां शामिल करना चाहेंगे वो हैं समित पटेल, जिन्होंने 8 इनिंग्स खेलते हुए 169 रन बनाए थे। तो दोस्तों ये 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि टीम के लिए अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं। तो बल्लेबाजों के अलावा अगर गेंदबाजों पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर हमने मर्चेंट डी लेंगे को शामिल किया है, जिन्होंने लास्ट ईयर 12 विकेट झटके थे। तो इनके बाद आते हैं राशिद खान। वेल राशिद खान के बारे में तो आप जानते ही हैं कि आईपीएल सीजन 15 में उन्होंने अपनी फॉर्म के चलते सभी का दिल जीत लिया था और काफी शानदार परफॉर्म किया था। तो राशिद खान ने दोस्तों दी 100 में लास्ट ईयर खेलते हुए 12 विकेट झटके थे और इस साल भी उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की भी उम्मीद की जाती है। इनके बाद नाम लेंगे हम मैथ्यू कार्टर का, जिन्होंने 9 विकेट अपने नाम किए थे। तो ये वो 6 खिलाड़ी हैं ट्रेंट रॉकेट्स के जो कि शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं बिर्मिंघम फियोनिक्स की प्लेइंग 11 पर। विल स्मिथ, मैथ्यू वेट, मोइन अली, एडम मिलने, लियम लिविंगस्टोन, क्रिस बेंजामिन, वैनी होवल, केन रिचर्डसन, टॉम हिल्म, हेनरी ब्रूक्स और इमरान ताहिर। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो टीम है वो ट्रेंट रॉकेट्स पर भारी पड़ चुकी है पिछले साल, और इस साल भी वो पूरी उम्मीद करना चाहेगी कि वो इस मुकाबले को अपने नाम कर ले। तो ऐसे में कौन से वो की प्लेयर्स होंगे जो कि टीम की तरफ से अच्छे रन स्कोर करने में कामयाब रहेंगे, अच्छे विकेट अपने नाम कर सकते हैं, उनके नाम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारे की प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लियम लिविंगस्टोन का। इन्होंने 9 इनिंग्स खेलते हुए 348 रन अपने नाम किए थे। वेल आपको बता दें कि दी 100 2021 के सीजन में हाईएस्ट
इंडिविजुअल स्कोरर भी लियम लिविंगस्टोन ही रहे थे और स्कोर था नॉट आउट होते हुए 92 का। अगले जो बल्लेबाज हैं वो हैं मोइन अली, जिन्होंने 7 इनिंग खेलते हुए 225 रन बनाए थे। इनके बाद जो एक और बल्लेबाज हम शामिल करेंगे वो है विल स्मिथ को, जिन्होंने 6 इनिंग्स खेली थी लास्ट ईयर और 166 रन बनाए थे। तो दोस्तों ये तीनों ही बल्लेबाज बहुत ही शानदार हैं। अब जरा नजर डालते हैं गेंदबाजी पर कि गेंदबाजी कितनी मजबूत है बर्मिंघम फियोनिक्स की। तो यहाँ पर हम एडम मिलने को शामिल करना चाहेंगे, जिन्होंने लास्ट ईयर 12 विकेट झटके थे। इनके बाद है बेनी हॉवल, जिन्होंने 11 विकेट झटके थे। और इनके बाद एक और गेंदबाज जो हम शामिल करना चाहेंगे वो है इमरान ताहिर। दोस्तों इमरान ताहिर ने लास्ट ईयर 10 विकेट अपने नाम किए थे। और तो और दोस्तों इमरान ताहिर का लास्ट ईयर बेस्ट बॉलिंग फिगर भी रहा था, जो था 25 रन देकर 5 विकेट झटकना। तो दोस्तों दोनों टीम्स की हमने प्लेइंग 11 आपको बता दी है, की प्लेयर्स के बारे में भी बता दिया है, साथ ही पिच रिपोर्ट का हाल भी। तो दोस्तों इस पूरे प्री मैच को देखते हुए यहाँ पर जो टीम इस मुकाबले की जीत की दावेदार लग रही है वो है बर्मिंघम फियोनिक्स, क्योंकि लास्ट ईयर भी बर्मिंघम फियोनिक्स ने ट्रेंट रॉकेट्स को दोनों मैचेस में हराया था। तो इस मुकाबले को भी बर्मिंघम ही अपने नाम करेगी। वेल, आपके हिसाब से इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, इसका जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।